बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिलाई कढ़ाई एक फ़ैन। आज की वीडियो जो है वो बेबी बॉय का कुर्ता है, जो वो लाइट ब्लू कलर का, स्काई ब्लू कलर का कुर्ते का कलर है। इस पर बहुत ही प्यारा हमने काम किया है, इसका पैटर्न भी बहुत ही प्यारा है। तो आज की वीडियो में जो है वो आप लोग कंप्लीट पैटर्न देखेंगे एंड इसके साथ साथ कुछ एम्ब्रॉयडरी के स्टेप्स भी मैंने ऐड किए हैं। सो काइंडली वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी डिज़ाइन, कोई भी स्टेप्स जो है वो आपसे मिस ना हो। सबसे पहले फर्स्ट क्लिप में आप लोग जो है वो मेरा पैटर्न देखेंगे। पैटर्न आप लोग देख सकते हैं कि कितनी जो है वो एक ट्रिक, बहुत ही ट्रिक जो है वो ये चीज़ें होती है और इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है। जैसे कि ये देखिए, सबसे पहले जो है वो स्टार्टिंग में डबल लाइन्स हमने ड्रॉ कर ली हैं, देन उसके बाद जो है वो हमें मिरर्स वाली जो डिज़ाइनिंग है वो बना रही हैं। मिरर्स वाली डिज़ाइनिंग का गैप सबसे पहले जो है वो उनका इक्वल गैप रखा है बीच में, ताकि कोई भी जावर डिज़ाइन ऊपर नीचे ना हो जाए। एक एंड में मिरर सबसे पहले हमने ड्रॉ की थी, देन स्टार्टिंग में, और बीच में जो है वो इक्वल दो की थी। और इससे जो है वो पता चल रहा है कि आप देख सकते हैं कि कितनी गैप जो है वो एक जितना रखा गया है। और आप फिंगर्स की नाप भी ले सकते हैं, अगर आप लोग जो है वो इंची टेप है आपके पास तो उसकी भी नाप आप लोग रख सकते हैं। स्केल की मदद से भी आप इनका गैप जो है वो रख सकते हैं। सो इट्स अप टू यू कि आप लोग किस तरह से जो है वो पैटर्न बनाते हैं या किस तरह से इनका जो गैप रखते हैं। एक साइड देखिए, सबसे पहले शीशे ड्रॉ करके, देन उसके बाद मिरर्स, उस तरफ से भी हम लोग यही करेंगे कि ये देखिए, इस तरह से हमें जो है वो इक्वल रखना पड़ेगा, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट काम ऊपर नीचे ना हो। तो उसी लिए जो है इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, तभी तो इतनी चीज़ें प्यारी बनती हैं। सिर्फ इन छोटी छोटी ट्रिक्स की वजह से जो है वो काम जो है अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, नीच लगता है, खूबसूरत भी लगता है। देन उसके बाद जो है वो उनके ऊपर जो है वो एक एक लाइन करके ड्रॉ करी है। एक एक लाइन ड्रॉ करने के बाद देन जो है वो उसके ही साइड से एक और लाइन ड्रॉ की है। इसकी कुर्ते की कंप्लीट वीडियोस आएंगी, लेकिन कुछ पार्ट्स में आएंगी। जैसे कि इस ये वीडियो आप लोग चेक करेंगे 10-15 मिनट्स की है, तो इट्स डिफ़िकल्ट फॉर मी इतनी लॉन्ग वीडियोस को जो अपलोड करना। सो दैट्स वाई आज की वीडियो आप लोग देखेंगे, देन जो है वो मे बी आप लोग एक और इसका पार्ट देखें, तो लेट्स सी कि क्या होता है। लेकिन एक और पार्ट ज़रूर आएगा इस वीडियो का, उसमें जो है एम्ब्रॉयडरी होगी। इस पैटर्न में भी, इस क्लिप में भी जो है वो एम्ब्रॉयडरी है। एंड में कुछ स्टेप्स मैंने ऐड किए हैं। स्टार्टिंग में जो मोती टांका लगेगा उसका मैंने क्लिप ऐड किया है, और जो फ्लावर्स हम लोग लगाएंगे उसका भी मैंने जो है क्लिप ऐड किया है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि वो आप लोग जो है वो देख सकें। इसके बाद जो है वो इनके बाहर से जो है हमने लीव्स ड्रॉ कर लिए हैं। लीव्स ड्रॉ करने के बाद इनके सेंटर में जो है वो हम लोगों ने एक हॉरिजेंटल एंड एक वर्टिकल जो है वो हमने लाइंस ड्रॉ की थी। उन लाइंस के बीच में जो है वो छोटे छोटे फ्लावर्स बनाए थे, जिससे ड्रेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्यारा लग रहा था। दिस इज़ आई थिंक फॉर द 3 ईयर बेबी बॉय, और आई डोंट नो, मे बी अ 4 ईयर बेबी बॉय। सो इसी एज ग्रुप का आई थिंक इस बच्चे का जो है वो ड्रेस बना है, कंफर्म नहीं है, बट इसी एज ग्रुप का जो है वो बच्चे का ड्रेस बना है, 3 ईयर्स का या तो 4 ईयर्स का है। ये देखिए, इस तरीके से जो है वो उनके जो बीच में सेंटर है, इन लाइन्स के जो सेंटर है, वहीं पर ये चार चार लीव्स करके हमने जो है वो इनके बीच में जो गैप है उसको फिल किया है। देखिए, इस तरह से करके जो है वो हमने इसकी पैटर्न बना लिया है। इसी तरह की मेरे चैनल पर मोर देन 100 वीडियोज़ हैं जिनके पैटर्न भी मैंने सिखाए हैं बनाना, एंड एम्ब्रॉयडरी भी सिखाई है, कंप्लीट लुक भी सिखाया है। तो ईच एंड एवरी थिंग आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, जो बिगनर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं और एक्सपर्ट्स भी देख रहे हैं। अगर आइडियाज़ चाहिए तो उसके लिए भी सेपरेट वीडियोज़ हैं, आप लोग वो देख सकते हैं। जिनको डिटेल एम्ब्रॉयडरी सीखनी है, स्टेप बाई स्टेप काम सीखना है बेबी बॉयज़ के कुर्तों का, तो उनके लिए भी सेपरेट वीडियोज़ हैं। तो आप लोग काइंडली मेरे चैनल की विजिट करें, वहाँ पर प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में सेपरेट फोल्डर्स बने हुए हैं बेबी गर्ल्स के, बेबी बॉयज़ के, बड़ी यंग लड़कियों के, तो आप लोग जो है वो देख सकते हैं। दिस इज़ द फाइनल लुक, चेक द नीटनेस, आई मीन अमेजिंग, बहुत ही खूबसूरत पैटर्न बनाया जाता है। और पैटर्न कुछ इस तरह का होता है कि बंदा पहन ही ले वो कपड़े
विदाउट एम्ब्रॉयडरी के ही वो जो है वो एज अ ब्लॉक प्रिंट करके हम लोग भी बच्चों को पहना सकते हैं, क्योंकि उसका पैटर्न जो है वो इतना प्यारा बनता है कि एम्ब्रॉयडरी कराने का भी दिल नहीं चाहता। तो हैट्स ऑफ टू दिस गर्ल जो ये डिज़ाइंस बनाती है, शी इज़ एक्सपर्ट एंड बहुत ही प्यारा पैटर्न्स बनाती है, बहुत ही खूबसूरत बनाती है। सो दिस इज़ द थ्रेड, ये जो है वो धागा हम यूज़ करेंगे सिल्क थ्रेड का। वीडियो पता नहीं क्यों इतना डार्क कलर आ रहा है, बट दैट्स नॉट एक्चुअल कलर। जो आप मेरी प्रीवियस क्लिप देखा था आपने जिस पैटर्न में, वो रियल कलर था। ये आई डोंट नो क्यों इतना डार्क आ रहा है। और इसकी जो मिरर्स लगेंगे, दैट वॉज अ स्मॉल साइज जीरो साइज मिरर्स, वो यूज़ हम लोग इन पर करेंगे। एंड कुछ वो हम लोग एम्ब्रॉयडरी यूज़ करेंगे एंड दैट्स इट। अब बारी है एम्ब्रॉयडरी की। एम्ब्रॉयडरी जो है वो बहुत ही आसान है। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा, सारे स्टेप्स देखिएगा, जब आप लोगों जो है ना वो एक ही वीडियो से जो है काम सीख सकते हैं अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो। सो सबसे पहले स्टार्टिंग में जो है वो डबल लाइंस करके हमने जो ड्रॉ की थी उस पर हम लगाएंगे मोती टांका। मोती टांका इज़ अ सो ईजी, देखने में जो आप लोग देख सकते हैं कि अगर कोई कहेगा कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है और बहुत टफ है किस तरह से बनाया गया है, सो टफ वफ नहीं है, बहुत ही आसान है। आप लोग देखेंगे तो आप लोग इंशाल्लाह समझ जाएंगे और आई होप आप लोग सीख भी जाएंगे और आप काम कर भी लेंगे। सो ये बहुत प्यारा लगता है। मोती टांका इज़ माई फेवरेट एम्ब्रॉयडरी, वो बहुत ही प्यारा लगता है। बेबी बॉयज़ का एक्चुअली जो कुर्ते होते हैं उनके स्टार्टिंग में एम्ब्रॉयडरी होती है, तो वो यही होता है कि बस मोती टांका ही लगाएं, क्योंकि वो बहुत ही प्यारा खूबसूरत लगता है। इसके अलावा भी बहुत सारे वीडियोस लाइन अप है और लाइन वाइज जब मैं अपलोड करती जाऊँगी, ईद से पहले पहले कोशिश करके सारी वीडियोज़ अपलोड करने की कोशिश करूँगी। जो एक्चुअली ईद के ड्रेसेस बने हैं मैं कोशिश करूँगी ईद से पहले अपलोड हो जाए, ताकि आप लोगों को एक आइडियाज़ मिल सके बच्चों के कपड़ों के। सो अपलोड कर भी रही हूँ, सो विश मी लक के वो जल्दी जल्दी अपलोड हो जाए। धागा आप लोग देख सकते हैं कि हमने जो है वो तीन धागे ये दिल ले लिए हैं, और सिंगल से बहुत पतला हो जाएगा, डबल से इतना ज़्यादा मोटा नहीं होता, तो हमें थोड़ा सा जो है ना वो थिक सा बॉर्डर चाहिए। दैट्स व्हाई हमने जो है वो तीन धागे जो है वो निडल में डाले हैं। बारी है फर्दर एम्ब्रॉयडरी की। द फर्दर एम्ब्रॉयडरी इज़ द फ्लावर का काम। एंड आप लोग ने सबसे पहले तो मोती टांका हमने लगाया था, सबसे पहले हमने शीशे लगा लिए थे, पूरे कुर्ते में शीशे लगा लिए थे। देन उसके बाद हमने मोती टांका लगाया था। मोती टांके लगाने के बाद अब जो है वो हम लोग फ्लावर्स लगाएंगे। फ्लावर्स लगाने के बाद उसके साइड में जो आप लोग जो है वो स्क्वायर्स छोटे छोटे बने देख रहे हैं उसके अंदर हम लोग काम करेंगे, उसके बाहर से लीव्स में काम करेंगे, तो इस तरह से जो काम होता जाएगा। आज की वीडियो में जस्ट ओनली यहाँ तक एम्ब्रॉयडरी है, अभी आप लोग फ्लावर का काम देखेंगे एंड फिर जो है आप लोग फर्दर एम्ब्रॉयडरी मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे थम्स अप दें, एंड मेरे चैनल पर अगर आप न्यू है, फर्स्ट टाइम मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके साथ अब बेल नोटिफिकेशन का बटन होगा, बेल आइकन बना होगा, आप उसे क्लिक कर देंगे तो मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप मेरी इजीली तमाम आने वाली वीडियोस जो है वो देख सकेंगी। और अगर नहीं क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो मेरी नहीं मिल सकेगी, तो दैट्स वाई आप लोग जो है वो बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। ये देखिए इस तरह से जो है वो आप सबसे पहले तो फ्लावर्स लगा लेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। अंटिल दैट टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।